अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड, आज बड़े स्पेशल प्रोग्राम होगा। आपकी मुलाकात करवाएंगे 34वें नेशनल गेम्स के विनर्स के साथ, गोल्ड मेडलिस्ट के साथ। उसके साथ साथ आज ज़रा बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ गेम क्या था, 34वें नेशनल गेम्स कैसे रहे और उस पर जो इवेंट्स हुए हैं एथलीट्स के लिए क्या क्या सहूलियात थी। डिपार्टमेंट्स छाए रहे, आर्मी ने सेंचुरी से भी आगे चला गया गोल्ड की, और उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर रहे इस तरह वापडा और फिर नेवी और फिर एयरफोर्स चौथे नंबर पर रही। फिर हम देखते हैं कि सूबाई टीम्स में से अगर कोई देख रहे हैं कोई एक आधा गोल्ड ले लिया खैबर पख्तूनख्वा में, किसी ने एक ले लिया कहीं और, लेकिन सूबों की टीमें कोई खातिर ख्वाह परफॉर्म नहीं कर पाई। एसोसिएशंस, फेडरेशंस, डिपार्टमेंट, इनके बीच ये गेम्स चल रही होती हैं। हम देखते हैं लातादाद मेडल्स आते हैं, गोल्ड की भरमार हो जाती है, लेकिन जहाँ पर ओलंपिक्स की बात आती है वहाँ पर हम देखते हैं कि मेडल्स गिने चुने आते हैं। कोई एक मेडल मिल जाए वो भी हमें सालों में मिलता है, हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये वजूहात हैं क्या? आखिर ये ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं कि आप भरमार कर दें नेशनल गेम में मेडल्स की और जब ओलंपिक्स आए तो मेडल आपके पास गिने चुने इक्का दुक्का हाथ में, वो भी सालों के गैप के बाद। इस पर भी बात करेंगे, एथलीट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे। आपके आज स्पेशल मुलाकात करवाएंगे MMA की, हमारी नेशनल चैम्पियन इंटरनेशनल फाइटर हैं और इन्होंने गोल्ड उठाया बॉक्सिंग में, ये बड़ी मज़े की बात है। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इन्हें बुलाते हैं, ये आ जाती हैं। हालिया गोल्ड मेडल लेकर आई हैं बॉक्सिंग इवेंट में, बुशरा अख्तर खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बुशरा, और बुशरा के कोच भी हैं और मिक्स मार्शल आर्ट्स के भी कोच हैं, मार्शल आर्ट्स के भी कोच हैं, बॉक्सिंग भी सब कुछ सिखाते हैं वैसे, लेकिन मार्शल आर्ट्स कोच कहलवाते हैं अपने आप को। मुदस्सिर बशीर मेरे साथ मौजूद हैं, खुद बहुत यंग हैं और ख़ुद फाइटर भी बहुत अच्छे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है, तो ज़रा पूछेंगे कि भाई क्या रहा, कैसा रहा और नेशनल गेम्स ओवरऑल जो इवेंट है वो कैसा रहा। बुशरा थैंक यू सो मच, मुदस्सिर बहुत शुक्रिया। बुशरा पहले तो ज़रा गोल्ड लिया है, मुबारक हो आपको, माशाल्लाह बहुत। हम देखते हैं जिस इवेंट में जाती हैं आप अच्छी परफॉर्मेंस देकर आती हैं, फ़ाइट आपकी मैंने देखी हुई है बहुत माशाल्लाह पेस से फ़ाइट करती हैं, फुटवर्क बहुत अच्छा है, बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा है। बुशरा सिलेक्शन तो ज़ाहिर डिपार्ट आपकी करता है, डिपार्टमेंट नाम देता है फिर आप जाते हैं, ये सारा प्रोसीजर कैसे शुरू हुआ, फिर हम आगे चल के फ़ाइट्स पे बात करेंगे। और आज ज़रा एक स्पेशल बात भी है जो मैं शायद मुदस्सिर से करूँगा, ये जो गैर मुल्की खिलाड़ी है खिला दी गई वो कैसे खिला दी गई, इस पर भी बात करूँगा। लेकिन पहले बुशरा आपसे गोल्ड से शुरू करते हैं, ये कहानी कैसे शुरू हुई, कहाँ से कहाँ तक का सफ़र है? सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें मौका दिया, और जो कि शुरुआत जो शुरू हुई थी मेरी स्टार्टिंग से मार्शल आर्ट, कंग फू मार्शल आर्ट्स की वजह से मैं प्लेयर हूँ, जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स में कर रही हूँ, और अभी जिसमें मैंने मेडल लिया बॉक्सिंग में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे मेरे पेरेंट्स की और मेरे कोच सर मुदस्सिर की बहुत ज़्यादा मेहनत थी और आज इस मुकाम तक मैं पहुँची। और इसमें यह था कि जब मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हुई थी तो मेरी पहली फ़ाइट एयरफोर्स की एक प्लेयर है हादिया नाम है, उसके साथ मेरा ट्रायल हुआ था, तो हमारे क्लब में ही हुआ था, सर ने कहा था इसके साथ आपकी फाइट होगी। तो हादिया कमाल जी, हादिया कमाल वो बड़ी जबरदस्त, तो फिर उसके बाद बहुत शानदार फाइटर हैं, तो उनके फादर ने भी देखा और जो एयरफोर्स के जो कैप्टन है हसन, तो उन्होंने, उन लोगों ने मेरी मतलब फ़ाइट देखी कि इसका फुटवर्क, पंचेस वगैरह और ये सब कुछ अच्छा है, तो फिर इस वजह से मुझे इन लोगों ने मतलब सेलेक्ट कर लिया। और फिर बातचीत सर से ही हुई कि बुशरा इस तरह आगे जो नेशनल आ रहे तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद भी ये कोशिश थी कि मैं इस चीज़ को पार्टिसिपेट करूँ और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल और अपने टीचर और अपने पेरेंट्स की मेहनत को सर जान लो। अच्छा जरा बुशरा आगे चल के ना हम बात करेंगे वहाँ पर फ़ाइट्स कैसी रहीं, फ़ाइट का मैार क्या था, इस पर भी बात करता हूँ। गोल्ड मेडल आपने लिया, इससे बड़ी और क्या ऑनर की बात होगी। मुदस्सिर आप जब टीम देखकर जा रहे होते हैं, सिलेक्शन हो रही होती है, लड़के लड़कियाँ दोनों को देखते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो आपको लगता है कि यार ये नेशनल गेम्स में जा रही है हमारे लिए गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज कोई ना कोई मेडल लेकर आएगी आएगा? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गेम्स के हवाले से बात की जाए तो जैसे कि आपने सवाल किया कि सबसे पहले जो प्लेयर्स का हम उनका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि उनका ट्रेनिंग कितना है और वो दिन में कितने घंटे कितने टाइम वो ट्रेनिंग करते हैं, दूसरी बात यह कि उसका स्टेमिना कैसा है, ठीक है। फिर उसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फुटवर्किंग, आप फुटवर्किंग जितना अच्छी होगी उतनी आप फाइट अच्छे कर सकेंगे। फिर स्पायरिंग होती है, अब स्पायरिंग फाइट्स में ये है कि शेडो फाइट्स की जाती है वगैरह, हर तीन मिनट के राउंड्स होते हैं, तकरीबन 12-15-20 इस तरह राउंड्स वगैरह लगाते हैं, हर 3 मिनट के बाद हमें 1 मिनट का स्टे देते हैं। तो उस तरह से फिर जैसे स्टेमिना बनता है प्लेयर का, फिर आपस में कंडीशन फाइट्स हम कराते हैं,
दिन रात हम फाइट्स कराते हैं। ये कैंप की बात होती है जब इवेंट्स आते हैं नेशनल या नेशनल गेम्स वगैरह, उससे पहले जो कैंप्स लगते जी, उससे पहले जो कैंप्स होती है, तो उसमें फिर हम सेलेक्शन करते हैं एक एक वेट में। अब दो दो तीन तीन प्लेयर्स हमारे पास होते हैं, तो अब मिसाल के तौर पर अब जिस तरह बुशरा के वेट में 50 में कोई दो तीन लड़कियाँ और थी, तो उनके आपस में फिर लास्ट पे वन वीक पहले हम सेलेक्शन के लिए उसके फाइट्स करा रहे थे। उस पर फिर हम देखते हैं कि फुट वर्किंग और उसके स्पायरिंग, उसके शडो जो है वो हम देखते हैं, और उसका डाज कि डाजिंग को कैसे करती है, वो सारा कुछ चेक करके उसके बाद फिर हम प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं। मुझे सर बुशरा की सिलेक्शन कैसे हुई? बुशरा इससे पहले इंटरनेशनल इवेंट भी खेल चुकी हैं, बहुत शानदार खेलती हैं। मुझे बताया कि किक बॉक्सिंग में अब तक मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान लेवल पे मुझे बुशरा जैसे प्लेयर्स बहुत कम दिखाई देते हैं। बुशरा की सिलेक्शन कैसे हुई? आपको किस तरह यकीन था कि इंशाल्लाह हमारे लिए बुशरा जो है वो बाहर से भी मेडल लाएगी और नेशनल में भी? देखिए मैं अक्सर इनके पेरेंट्स को भी यही बात करता हूँ और इनसे भी करता हूँ कि शायद आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा समझ के एक गुड ऑफर आपके लिए है कि लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। और ये पाकिस्तान की वाहिद बची थी कि किक बॉक्सिंग में 5 मंथ्स में इतने मेडल उठाए थे, 2019 की बात है। उसके बाद जैसे जैसे इवेंट्स आते रहे तो आज तक ये कभी पीछे नहीं हुई, मतलब कि मेडल से पीछे नहीं हुआ बल्कि जीत कर आई है। और जहाँ एयरफोर्स की बात है तो जैसे इन्होंने बताया कि हादिया कमाल, मेरे जो कमाल साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, अच्छा उन्होंने कांटेक्ट किया। मदर जो है शहनाज वो भी कोच है और बड़ी शानदार कोचिंग कर रहे हैं, वो हादिया की बल्कि कोचिंग वो खुद भी कर रहे हैं जी। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे कॉल की, मुझे कहते हैं कि मैंने इस तरह बच्ची की स्पायरिंग करने, उनके साथ कोई है नहीं, तो क्या मैं आपके क्लब आकर तो हम कोई फाइट्स कर सकें? मैंने कहा ठीक है आप वेलकम। वो फर्स्ट फाइट था इनके बॉक्सिंग में, हालांकि एमएमए के देखिए एमएमए और मिक्स मार्शल आर्ट्स के ये होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाते हैं बॉक्सिंग में, बिल्कुल डिफरेंट। तो वो ये होता है कि कभी कभी किक्स भी उठ सकते हैं, कभी कभी मतलब कि जुवन को पंच, बॉक्सिंग का आदी है वो, तो ज़ाहिर है खाली पंचेस नहीं मारेंगे, वो पंच दूसरी तरफ भी मार सकते हैं, मतलब फाउल पंच जिसको कहा जाता है। खैर मैंने फाइट का बता दिया, मैंने कहा ठीक है आप आ जाए। फिर वो आ गए तो उन्होंने जो फाइट की तो दोनों ने 1-1 फाइट की, बड़ा अच्छा उन्होंने किया। तो बल्कि कमाल साहब के खुद अल्फाज थे कि माशाल्लाह बुशरा ने तो मेरे बच्चे को हिला के रख दिए, ये उनके अल्फाज थे। ये बड़ी बात है, हालांकि साउथ एशियन गेम्स जी बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर है हादिया जो है। तो वो फिर खैर वहाँ पर फिर गपशप भी लगी। फिर उन्होंने आगे एयरफोर्स में जो हसन भाई है वो टीम हेड कोच भी है वहाँ का पीएफ का, उनसे फिर बात की। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमें इस तरीके से 52 में लड़की चाहिए, तो हमने बुशरा का देखा है तो ये बहुत अच्छी प्लेयर है और बहुत आगे तक जा सकती है, तो आप इसे हमें दें। इस तरह आर्मी ने भी कॉन्टेक्ट किया था वुशु के लिए, और वबडा से भी आया था, एचएससी से भी कई मरतबा कॉल आए थे। वुशु स्टाइल भी बुशरा करते हो जी? वुशु में भी खेले मैंने 2019 में, ये कुछ नहीं छोड़ा बुशरा ने, सब खेल लिया। तो फिर खैर मुझे एयरफोर्स जो था वो मुझे ज़रा जो बाकी डिपार्टमेंट से ये है कि डिसेंट से डिपार्टमेंट मुझे लगा, और मैंने सोचा कि नहीं एयरफोर्स ज़्यादा बेहतर है बच्चों के लिए, प्लेयर्स के लिए, तो मैं अपने प्लेयर जो हूँ मैं एयरफोर्स को दूँ। तो फिर उसके बाद फिर बात चाहती हुई तो ये बगैर ट्रायल के जो है वहाँ सेलेक्ट हुए अपने वेट में, क्योंकि उनको पता था कि मेडल जरूर निकलेगी। सही, उससे पहले उन्होंने देख लिया था ना खेलते हुए, सारा कुछ देख लिया था, उनके फाइट्स देख लिए, इंटरनेशनल फाइट्स देखे, नेशनल फिर एमएमए के नेशनल इंटरनेशनल फाइट्स देख लिए थे। फिर जब लास्ट टाइम नेशनल था, ये नेशनल गेम से पहले, तो उसमें भी ये एयरफोर्स की तरफ से नेशनल प्ले कर चुकी थी और बाकी तो उसमें गोल्ड उठाया था। उसके बाद फिर नेशनल गेम्स में भी यही सिलेक्ट हुई थी। एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, वुशु, बॉक्सिंग, क्या रह गया, किक बॉक्सिंग भी। अच्छा बॉक्सिंग में आपने मेडल लिया, मुझे बड़ी बता के यार बुशरा दिखे माशाल्लाह खेलती स्पेशलाइज्ड एमएमए फाइटर है, लेकिन जब बॉक्सिंग में जाती है तो पूरा अपना चेंज कर लेती है गेम स्टाइल, ये बहुत बड़ा कमाल, कैसे बुशरा और फिर बॉक्सिंग में मेडल लेना, बड़ी बात है। सर वैसे तो देखा जाए जहाँ तक जो मेरा अपना पैशन है वो किक बॉक्सिंग था स्टार्टिंग से ही, तो मैंने सर से कहा था मैं अब किक बॉक्सिंग ही करूँगी। तो फिर जब मेरा इवेंट आ रहा था करीब नेशनल, तो सर ने मैंने सर से कहा कि मैंने अभी बॉक्सिंग भी स्टार्ट करनी है, तो मैं सर से फिर बॉक्सिंग की अलग मतलब ट्रेनिंग लेती थी। तो उसमें ये होता था कि मेरा फुट वर्किंग, शेडो स्पायरिंग सर मेरे डेली करवाते थे, मेरे जो क्लब पार्टनर है सैरिश होगी माहम, तो उनके साथ मैं स्पायरिंग वगैरह करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर करते करते फिर मेरा जो कराची नेशनल हुआ तो उसमें मैंने गोल्ड लिया, वो मेरी लाइफ की मतलब पहली फाइट थी जो मेरी मलाइका के साथ, और बतौर बॉक्सर जी उसके साथ बॉक्सिंग का हुआ था। तो उस वो फाइट में मतलब ब्राउन्स हो गई थी, बट मैंने उस फाइट से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने फिर सर से कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर मेरी फाइट बॉक्सिंग में हुई तो मैंने मलाइका के साथ ही करनी है और मैंने उससे विन करना है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था बॉक्सिंग का, वो मेरी लाइफ की फर्स्ट फाइट थी। सही।
तो उसके बाद फिर मैंने बॉक्सिंग में मज़ीद मेहनत की, फिर मैंने कहा कि अगर नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी मलाइका के साथ फाइट है, किसी के साथ फाइट है तो इंशाल्लाह उसके साथ। अच्छा बुशरा, क्या फ़र्क लगा आपको किक बॉक्सिंग में, एमएमए फाइटिंग में और वुशु स्टाइल में और बॉक्सिंग में, कितना फ़र्क है? सर एमएमए तो एज अ फ्री स्टाइल है और बॉक्सिंग में ये होता है कि बॉक्सिंग में जस्ट आपके पंचेज होते हैं और आपको रोकते हैं, आप आदी नहीं हो जाते मारने के? जी उस दिन क्लब में आंटी आई तो मुझे कहती है कि मैंने आपकी फाइट की वीडियो देखी है, तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि किकबॉक्सिंग और बॉक्सिंग में क्या फ़र्क है, तो वो कहती है कि मैंने आपकी जब वीडियो देखी, आप बॉक्सिंग भी कर रहे हो, आपने साथ किक भी उठाई, तो वो अक्सर मतलब मूवमेंट जो होती है चेंज हो जाती है। तो मैंने मतलब ट्रेनिंग की थी, फिर हमारा स्पेशली कैंप हुआ था उसमें फिर ट्रेनिंग की, जी मैंने फिर अपने आप को उस चीज़ पर कंट्रोल किया कि इसमें किक्स नहीं उठनी, इसमें जस्ट फुटवर्क और आपके पंचेज यूज़ होंगे। किसके साथ हुआ आपका सबसे टफ मुकाबला अगर हम बात करें 34 नेशनल गेम की? सर जो मेरा टफ था वो आर्मी के साथ था और सेमीफाइनल जो था वो मेरे नेवी के साथ था, और वैसे तो जो मुझे डर था वो मतलब नेवी की बहुत अच्छी प्लेयर है वो भी। वैसे जहाँ तक मैं अपनी वैसे बात करूँ, ये कोच को भी अपने एक वो होते हैं, जो मुझे ज़्यादा टफ फाइट लग रहा था वो नेवी के। अच्छा, आर्मी से भी ज़्यादा? वो बहुत ज़्यादा, हाइट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और वो प्लेयर जो है वो बलूचिस्तान की, जिस तरह मतलब रावलपिंडी संभाग की ये प्लेयर है, वो बलूचिस्तान की वाहिद प्लेयर है जो अभी तक हारी नहीं है। बहुत अच्छी प्लेयर है। मलाइका नहीं, जिस बच्ची के साथ आपकी फाइट था? जी जी हाँ, मलाइका। ओह यस, मलाइका शी इज अ वेरी गुड फाइटर, बहुत अच्छी फाइटर है। मुझे उस पर डाउट था कि ये। अच्छा, उसकी हाइट आपसे थोड़ी ज्यादा है? नहीं नहीं, मेरी बराबर है। अच्छा, मेरी हाइट से ज्यादा, आपकी हाइट से ज्यादा लगता है जैसे मलाइका की। वो जब हाथ छोड़ लेता था, पंच छोड़ा था, मैच से बस लग गया इसको। अच्छा, तो वो टफ फाइटर है मलाइका? जी अच्छी फाइटर है वो। उसी के साथ मेरी जो लाइफ की पहली बॉक्सिंग की जो फाइट हुई थी ना कराची में, वो मेरी उसी के साथ हुई थी और मैं ब्रॉन्ज हो गई थी उससे। फिर मैंने मतलब अपने आप से ये रखा था, मतलब मैंने कहा था चैलेंज खुद से ही लगाया था कि मैंने इसको हराना है, बट वेट में नहीं थी, अंडर एज थी वो, उसके साथ फिर मेरी फाइट नहीं। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो जो मेरी फाइट थी वो सेमीफाइनल जो था वो मेरा नेवी के साथ था, मतलब मुझे खुद भी डाउट था और मैं सर से भी कह रही थी कि मेरा जो टफ है वो नेवी से आएगा, मैं मुश्किल है। मैं इस पर ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा बात करेंगे कि ये जो नेवी के साथ इतना टफ मुकाबला, आर्मी के साथ टफ मुकाबला, लेकिन जो कोच कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नेवी के साथ थोड़ा ज़्यादा टफ था। मैं वापस आता हूँ, जरा ओपनर्स पर भी बात करेंगे, इससे अंदाज़ा होगा पाकिस्तान सर्किट में कितने अच्छे अच्छे इस पूरे सर्किट में एथलीट्स हमारे पास मौजूद है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, और ब्रेक पर जाने से पहले बुशरा से मुदसर से बात हो रही थी नेशनल गेम्स की, ओपोनेंट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान सर्किट में पता चले कि हमारे पास कितने एथलीट्स हैं, कितना टैलेंट है, कितने शानदार एथलीट्स हैं। बुशरा जिनके साथ फ़ाइट कर रही हैं या बुशरा के साथ जो लोग फ़ाइट कर रहे हैं उनका भी ज़रा मैार हमें पता चले। मुदसर, जिक्र किया मलाइका का, तो जो 34 नेशनल गेम की सेमीफाइनलिस्ट थी नेवी की फ़ाइटर मरियम, तो उनका ज़रा जिक्र भी कर लेते हैं, कैसी फ़ाइटर हैं और वो कितना उनमें टैलेंट है। वो ज़ाहिर है आपने देखा होगा उन्हें फ़ाइट करते बुशरा के साथ। देखिए मैं इस बच्ची के ऊपर बात करूँगा जो पिछले नेशनल गुजरा था ना, केपीटी नेशनल जो गुजरा कराची में, तो मरियम का जो फाइनल राउंड था वो रिमशा आर्मी की लड़की है उसके साथ था, 52 कैटेगरी में उस टाइम। तो उस टाइम जो फाइट हो रहा था, तो मरियम ने लिफ्ट करते 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 मतलब तीन राउंड में लिफ्ट मारते ही अगले बच्ची को जो है पॉइंट्स मतलब कि ज़्यादा लेकर उससे जीत गई। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रोला, मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बने थे कि नहीं भाई आर्मी की लड़की जीती, हेयर प्रोटेस्ट तक बात चली गई है, पर फिर भी हम एयरफोर्स की टीम और बाकी जो टीमें थी सिविल टीमें जो थी उन्होंने भी बाकी बैकअप दिए नेवी को। उस टाइम वो केपीटी से खेल रही थी जो मरियम बची थी, तब जाकर जब उनको पता चला कि अब भाई अब तो पूरा स्टेडियम उठ गया, तो उनको फिर देना पड़ा। और सबसे मेन चीज़ ये था कि केपीटी जिस ग्राउंड में इवेंट था उस ग्राउंड की तरफ से वो बच्ची खेल रही थी, उसके लिए गुड लक ये था। अगर वो कहीं और डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से सपोर्ट ना होती तो उसी टाइम आर्मी उसको हरा के रख देती, यही कंफर्म था। तो उस टाइम मुझे उस बच्ची का जो फुटवर्क, उस बच्ची का जो ट्रेनिंग, उसके जो कोचिंग का ट्रेनिंग, आप यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस बच्ची को बाकायदा दाद भी दिए और उसको बाकायदा दुआ भी दिए कि अगर ऐसे बच्चियाँ पाकिस्तान में हैं और रियल तरीके से उनको अगर प्रमोट किया जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि ओलंपिक्स में ये मेडल नहीं लग रहा, बल्कि मेडल जरूर वहाँ पर ओलंपिक्स में। बात करूंगा मैं अभी ओलंपिक्स वाले मेयार पे उसके मेडल पे। और अभी भी नेशनल गेम्स में वो फिर वही बची इस दफा जो प्ले किए उन्होंने, तो वो पाकिस्तान नेवी की तरफ से प्ले किए, तो सेमीफाइनल इनके साथ उसी मरियम का इनके साथ आया था। मैंने इनको पहले से बताया था, मैंने कहा बुशरा आप जब उस बच्ची का जो क्वार्टर फाइनल था ना, तो अमूमन ये होता है कि प्लेयर
जिस प्लेयर के साथ अगला मतलब ये सोच रहा होता है कि अगर मैं क्वार्टर फाइनल क्रॉस करता हूँ तो मैंने फिर इस बच्चे के साथ फाइट करना है, तो वो उसके फाइट जरूर देखते हैं, क्वार्टर जरूर देखते हैं, फ्री क्वार्टर जरूर देखते हैं, आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलती हैं। तो जब ये इसने क्वार्टर फाइनल देखे, मैंने इनको बताया भी, मैंने कहा बेटा इसके फुटवर्क देखें, इनके मूवमेंट देखें, इनके बॉडी वर्क देखें, बच्ची बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है, उसका हाइट भी बहुत अच्छी है, इससे थोड़ी सी हाइट अच्छी है इसकी काफ़ी। तो फिर खैर सेमीफाइनल इन्हीं के साथ इनकी फाइट आ गई है। तो मतलब कोच बतौर कोच अब ठीक है, जो मेरे ट्रेनिंग थी, जो मैंने ट्रेनिंग दी थी वो तो अपनी जगह पर, जो जाहिर बात है अगला भी अपने जो फाइटर था, जो उनका कोच है, उनने भी अपनी तरफ से ट्रेनिंग दी थी। अब वो कोच अपनी तरफ से कह रहा है कि नहीं भाई मेरे बच्ची जीतेगी, और जिस टाइम ये रिंग में आ रही थी तो पूरा स्टेडियम उठ गया कि भाई बुशरा अख्तर आ गई, तो बुशरा जरा पॉपुलर हो गई ना, पॉपुलर हो गई। तो वहाँ पर वो बच्ची इससे डर रही थी, ये उनसे आपस में हो जाते हैं, बॉयज इतना नहीं करते इस चीज पे, पर लड़कियां जो है अगर उसको जरा सा भी मतलब कि कोई वीक पॉइंट तो वो डायरेक्ट घबरा जाती है। तो वो बच्ची के दिल में पहले से डर था कि भाई ये ना हो कि मुझे मारे और ये उससे वो कर रही थी, ये ना। अच्छा दोनों डर रहे थे एक दूसरे से, पर जब रिंग में गए तो फिर रिंग में जाहिर बात है इसने अपने डिपार्टमेंट के लिए खेलना होता है, मुल्क के लिए खेलना होता है और अपने पेरेंट्स के लिए खेलना होता है, उसने अपनी तरफ से खेलना होता है। फिर खैर जब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड माशाल्लाह इसने बहुत अच्छी तरीके से हेडिंग, बहुत डिफेंस पे, कितने राउंड्स हुए थे बुशरा? तीन राउंड हुए कंप्लीट राउंड्स हुए थे, पर वो बिल्कुल क्लियर फाइट था। मतलब क्या होता है ना कि 1-2 या मतलब कि 19-20 फाइट हो तो समझ आता है कि पता नहीं हो सकते वो जीते हो सकते, वो बिल्कुल क्लियर फाइट था। तकरीबन बुशरा हावी थी, बुशरा हावी थी उसमें 15-20 फाइट था, तो वो ऑटोमेटिकली उनको देना पड़ा फिर फाइट। जबरदस्त बुशरा, इसी पे थोड़ी सी क्या क्या देखा, मरियम की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी थी, उसकी तैयारी कितनी अच्छी थी, क्या सीखा, सीखता आदमी लड़ते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही सर, एक तो मतलब जहाँ तक देखा जाए कि मैंने बॉक्सिंग में आके स्पेशली जो है फुट वर्किंग पे और मतलब पंचेस में मतलब स्पीड तो आपकी मैंने देखी है, बहुत बहुत शानदार है। दूसरा ये कि जहाँ तक मरियम की बात रही, जब मेरी फाइट थी सेमीफाइनल तो मैंने सर से कहा सर मतलब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैं नहीं खेल पाऊंगी इससे, तो मैंने सर से तो उस टाइम अपनी जगह सर से बात डिस्कस कर ली थी, बट क्या फिर मैंने, आपके कोच ने क्या कहा? सर ने कहा नहीं आपने लड़ना है, तो मतलब अपनी तरफ से आपने जो आप उसकी भी मेहनत है और मतलब आपकी भी मेहनत है, तो मतलब गोल्ड के लिए लड़ना। जब रिंग में जा रही थी जी सर मरियम को सामना करने के लिए, जैसा वो सही बता रहे हैं कि दोनों तरफ से होता है, वो भी सोच रही होंगी बुशरा से लड़ रही हूं और आप सोच रही थी मैं मरियम से, क्या सोच के उतरी रिंग में सर? उस वक्त क्या था ज़हन में? रिंग से पहले जो मतलब रिंग में अभी मैं गई नहीं थी, रिंग से पहले जो मेरे माइंड में था कि क्या नाम लेते हैं मतलब है हाइट में भी ज़्यादा है मुझसे और उसकी मतलब हाइट बहुत ज़्यादा मुझसे और गेम उसकी भी ज़्यादा और मेरी भी, और जब मैं रिंग के अंदर गई तो मैंने इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दिया कि मैं अगर इस बात को अपने माइंड में रखूँगी तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को मतलब नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं जब रिंग के अंदर गई तो मैंने फिर इस चीज़ को सोचा कि जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मेरे मतलब कोच ने मेरे ऊपर मेहनत की है तो उस तरह उसके पेरेंट्स ने और टीचर्स ने मेहनत की है, तो जो प्लेयर्स होते हैं उन सेम ट्रेनिंग होती है उनकी भी, सही ठीक है, और फिर मैंने जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं जब रिंग के अंदर गई तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि मैंने लड़ना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जिस मकसद के लिए आई हूँ उस मकसद को यहाँ से गोल्ड लेके जाना और अपने पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए, चाहे हार जीत एज अ पार्ट ऑफ गेम उसका कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैंने जीत के लिए लड़ना है, तो जब मैंने ये सोच के अपना माइंड बना के रिंग में उतरी तो फिर वो जो नर्वस थी वो सारा कुछ खत्म हो गया। अच्छा फाइनल कैसा हुआ फिर? फाइनल तो फाइनल में ईजी थी, जब रिंग के अंदर गई तो मतलब फाइनल भी टफ था काफ़ी, इतना टफ नहीं था क्योंकि उससे पहले मेरी जो नेशनल हुई थी फाइट शहर के साथ, मैं ऑलरेडी उसके साथ खेल चुकी थी नेशनल कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह उससे गोल्ड हुई थी। तो उसका स्टाइल आपको पता था फाइट का? जी उसके साथ मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि ये कैसे अटैकिंग करती है, कैसे आगे मतलब प्लेयर के क्लोज होती है अटैक करती है, तो मतलब उसका मुझे एक्सपीरियंस था। बट जो नेवी के साथ हुआ था उसके साथ बिल्कुल ही एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि पिछले नेशनल में वो 52 वेट कैटेगरी में खेली थी और मैं 50 में खेली थी, और मुझे डाउट भी ये था कि मैं सर से कहती थी, सर ने मुझे कहा कि आपकी फ़ाइट इसके साथ आएगी, मैंने कहा नहीं सर ये 50 में नहीं ये 52 में, फिर मैंने सर से ये बात की, सर कहते हैं आपकी फ़ाइट इसके साथ, जब मुझे इस चीज़ का पता मैं थोड़ा मतलब नर्वस हो गई जी, तो मतलब एक डर सा खौफ सा पैदा हो गया। मैं अपने जो मेरे साथ मेरे सरिश और माहम थी मैं इनसे भी डिस्कस करी थी, मैंने कहा मतलब मुझे थोड़ा डर, वो कहते हैं तुम कर लोगी, तो फिर मैंने कहा इंशाल्लाह यहाँ पे जिस मकसद के लिए आई हूँ तो गुड। जबरदस्त सर, क्या सिचुएशन हुई भाई, वो एक गैर मुल्की खिलाड़ी को खिला दिया गया, बड़ा उस पर एहतजाज हुआ। वैसे तो खैर मैंने 34th नेशनल गेम पे आज आप दोनों से भी बात करी, बहुत एहतजाज हुए हैं भाई, हर गेम में हुआ है, हर इवेंट में कोई ना कोई मसला है, जिसे हम कहते हैं फड्डा पड़ा ही रहा है, रस्साकशी को देखते रहे, बाकी इवेंट्स में
एहतजाज और वो कहना कि यार ये प्लेयर ठीक नहीं है, ये कैटेगरी में नहीं है, ये उस कैटेगरी में फाल नहीं, ये बहुत चलता रहा है इस नेशनल गेम में, उस पर तो चलें एक अलग बात है। ये क्या मामला है जी, गैर मुल्की खिलाड़ी, अफगानी खिलाड़ी थे कोई? सर उस बच्ची का तब हमें पता चला कि जब वो रिंग में आ रही थी वो बलूचिस्तान की तरफ से प्ले कर रही थी, तो यही बच्ची इसको आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 महीने पहले की बात है तकरीबन, कि ये एयरपोस्ट टीम हम लेना चाह रहे थे इस बच्ची को। अच्छा, कॉन्टेक्ट बेस पे। तो जब इनके डॉक्यूमेंट्री चेक हो गई तो उस टाइम ये मालूम हुआ कि ये अफगानिस्तान से है, ठीक है, ये पाकिस्तान नेशनल, पाकिस्तान नेशनल जी, तो ये एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता है। उस ये हमारे पास मतलब कि जो सबसे वीक पॉइंट था वो यही था, सही, कि ये बच्ची का पहले से हमें पता था कि ये गैर मुल्की है, तो ये जो नेशनल गेम्स होते हैं ये पाकिस्तान के, सही बात है, पाकिस्तानी एथलीट्स के लिए होते हैं ना, ताकि हम ओलंपिक्स की तैयारी करें जी। तो खैर जब वो बलूचिस्तान की तरफ से खेली है तो उस टाइम तक हमें मतलब कि डाउट नहीं था, क्योंकि हो भी सकते हैं उनने अपना आई डी कार्ड बनाया हो, मतलब कि सर जो भी, पर जब माहम बेग के साथ उसके फाइट आया तो अब माहम भी आपके क्लब की है जी, मेरे क्लब की है, वो भी एयरफोर्स से प्ले कर रही है, तो जिस टाइम वो बलूचिस्तान से खेली तो फिर बात वही पर आती कि जो होम ग्राउंड होता है ना, कोशिश ही होती है कि उसी को, वो तो ऑब्वियसली होता है, सपोर्ट भी होती है बहुत। और सबसे दूसरा जो मेन पॉइंट था उसके अंदर वो ये था कि अगर माहम बेग जीतती तो उसका राउंड आना था आर्मी के साथ, और हमें ये पहले से क्लियर था, कंफर्म था कि उसने आर्मी को मारना है, आर्मी के प्लेयर को मारना है उसने। तो वहाँ पर फिर वही बात होती है कि बैक पे, फ्रंट पे सामने तो शो नहीं होता, पर बैक पे ये चीज़ें भी चलती है कि भाई इसको किस तरीके से जिताना है ताकि राउंड अगले के साथ आए और इसको पीछे करना है। ये इस पे मेडल पे ये होता है जी, ये होता है मेडल पे। जो अभी आपने सवाल किया था कि एयरफोर्स ने मेडल क्यों कम उठाए, अगर मैं एयरफोर्स के ऊपर बात करूँ तो बहुत अच्छे एथलीट्स थे, बहुत अच्छे फाइटर्स, बहुत अच्छे गेमर्स थे हमारे, मेरे ख्याल में फुटबॉल के वॉलीबॉल के ऊपर उन्होंने बैन लगाया वहाँ पर, ठीक ठीक है, पर हमारे अफसर जो थे माशाल्लाह उन्होंने बड़ा, सुहेल साहब लोग जो थे जितने भी, उन्होंने बड़ा मेहनत करके वहाँ पर दौड़ भाग करके, पता मुझे फाइट की उसके लिए, मुझे बहुत फाइट करके उसके बाद जाकर इवेंट हुआ जी, वो हटा कर तो फाइनल तक भी पहुँच गए। तो मतलब ऐसे भी सिचुएशन उन्हें जानबूझ के बनाने होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा हुआ है इस बार नेशनल गेम्स में, इसका मतलब है वहाँ पर अगर हकीकत देखा जाए ना सर, तो जितने भी एथलीट्स आए थे ना वो सब यही बात कर रहे थे कि नेशनल गेम्स जो है वो फ्लॉप हो चुका है, हर बंदे के मुंह से ये अल्फाज निकल रहा था, जबकि हम जहरी बात, हम तो बॉक्सिंग में एथलीट्स खुश नहीं थे, एथलीट्स खुश नहीं थे वो, चाहे अब अगर सिविल की बात करूँ, इस्लामाबाद के ऊपर बात करो, चले वो इस टॉपिक पे, जजिंग का मेयार कैसा था? मैं जजिंग के मारे यही बता रहा हूँ कि जब जज ही उस डिपार्टमेंट के हो या उस फेडरेशन के अपने ही जजेस हो, बड़ा वो है, ये तो अलाउ भी नहीं होता कि एक अपने ही डिपार्टमेंट का जज भी हो और अपनी फाइट हो रही है, ऐसा कैसे? सर होता ये कि इंटरनेशनल जज ये होते हैं कि उनको बाकायदा लेवल 1, 2, 3 का बाकायदा स्टार का उन्होंने कोर्सेज की होती है, ठीक है, उसमें कोई भी बैठ सकते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कि ये सिर्फ सिविल का हो या फिर बाहर से मंगवाए, इस तरह कोई नहीं होता। अब अगर ये बात है तो टॉपिक दूसरी तरफ जाती है, अब जिमनास्टिक में सर बाहर का जज बुलाया था, मेरे ख्याल में ईरान का जज आया था, उसके बावजूद भी 2.5 घंटे तक जिमनास्टिक इवेंट बंद रहा, ठीक है, वो मुझे पता है, एक बड़ा फड्डा हो गया। हाँ, और वो सारा तो ये इसमें ये था कि अब जब माहम बेग का सवाल था तो माहम बेग की जो फाइट हुई उस बच्ची के साथ, आप यकीन करेंगे 15-20 की फाइट थी, वो किसी दिन शो लाइव कराएंगे, अब हमारे पास जो कैमरेज की वीडियोज़ आ जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, आप खुद मतलब कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जिनको मतलब मिसाल के तौर फाइट्स के बारे में पता भी नहीं है, जो आम ऑडियंस होते हैं वो भी कहेंगे कि यार कौन सी बच्ची जीत रही है। अच्छा, पर उसके बावजूद भी उन्होंने महम ज्यादा हावी थी जी, उसके बावजूद भी अब मतलब ये भी नहीं कि 1-2 क्या नाम है, अफगान प्लेयर की बात जी, अफगान प्लेयर, ठीक है, 90-20 की भी बात नहीं थी, मतलब शक शुबे वाले बात थी नहीं कि भाई हो सके यार वो बच्ची जीती हुई। तो आपकी बात से मैं अखज़ करूँ कि अगर मैं कि वहाँ पर ये चक्कर चल रहा था कि हरवाया गया माहम को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हरवाया गया ओहो, हमने एकदम अभी रिंग से उतरी भी नहीं थी, हमने प्रोटेस्ट सबमिट करा दिए। अच्छा, ठीक है, अब बात वही पर, वो कहते ना कि जो ज्यादा लाडले होते हैं ये अल्फाज कर सकते, तो उसका वहाँ पर रिव्यू भी लाइव चल जाती है। बिल्कुल ठीक यार, एक मिनट मुदसर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जरा एक ले लूँ छोटा सा ब्रेक, ये बात आपने यहीं से कंटिन्यू करनी है, आप दोनों से इस पर कर लेता हूँ जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम सुन रहे थे, हम आपको बता भी रहे थे कि जो रेफरीज हैं, जो जज हैं, उसका मेयार वैसा नहीं है, टीम किसी को सपोर्ट है, किसी को कुछ, ये चीज़ें खुद अब एथलीट्स हमें बता रहे हैं, आपने इससे पहले भी सुना, हमारे पास सारे एथलीट्स आ भी रहे हैं, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर ज़रा बात करते हैं, बल्कि यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। बड़ी ही मज़ेदार और अहम बात चल रही है जो कि नेशनल गेम्स के हवाले, एथलीट्स के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, गोल्ड ब्रॉन्ज एंड मेडल्स की डिपेंडेंसी होती है फेयर गेम पे, फेयर फैसलों पे, फेयर रिजल्ट्स पे। मुदस्सर, जो आप बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बता रहे थे, अच्छा ये वह मामला चलता रहा कि माहम को फिर जो हम कहें कि जज जो थे उनकी तरफ से भी, रेफरी की तरफ से भी मज़ामत का सामना करना पड़ा और उसके लिए वो परेशानियाँ बनी रहीं। फिर देखिए सर, जैसे मैंने बता रहा था कि एक लाडले वाला सीन जो चलता है, वो सर ये कि एक वहाँ पर एक ये भी हुआ कि आर्मी का बल्कि प्लेयर था ऊपर वाले वेट में, तो मतलब 75 से ऊपर था तकरीबन ऑलमोस्ट। जब उनका रिव्यू उन्होंने लिया, मेरे ख्याल में वाबड़ा के अगेंस्ट उनकी फ़ाइट थी, उसी टाइम जब वाबड़ा को जिताया नकीबुल्ला को, मेरे ख्याल में इस तरह कुछ फाइट था, तो उसी टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट कर ली। ठीक। उनका जो ऑफिसर्स थे या जो सीनियर्स थे, कोचेज वगैरह, वो आ गया, उन्होंने प्रोटेस्ट सबमिट कराया। अब प्रोटेस्ट जब सबमिट होता है तो सर उसमें ये तरीकाकार होता है कि इवेंट चल रहा होता है, हाँ, लेकिन उसके रिव्यू में चला जाता है, वो रिव्यू में चला जाता है, कमेटी होती है, वो पूरा देखती है, एक तशकील लेते प्लानिंग के साथ होता है। वहाँ पर हम खड़े हुए थे, 10 मिनट के अंदर अंदर रिव्यू भी लाइव शो पर चल गए जियो न्यूज़, जियो सुपर पे, और अगले को जीत भी दे दिए। अच्छा, और आप लोगों का रिव्यू कब क्या हुआ? हमारा जो रिव्यू था, हमारा रिव्यू पहले तो ये कि जब प्रोटेस्ट सबमिट कराया तो हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, इवेंट ख़त्म भी हो गया, क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गया, हमने बुशरा का फाइट जो है वो रुकवाया, उसके मेडल्स रुकवाया कि भाई उस टाइम तक आप मेडल नहीं पहनेंगे जब तक रिव्यू नहीं आते। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर उनको करना पड़ा, फिर तो 50 कैटेगरी था। अच्छा, बुशरा वाले मामले में भी यही मसला, यही मसला हुआ था। तो तब जाके जब रिव्यू आया तो रिव्यू जाकर रात को 2:30 बजे के टाइम रिव्यू ओके हो चुका, रात को 2:30 बजे। ठीक है, तो माहम बैग वाला जो सिस्टम था, जब हमने प्रोटेस्ट कर ली तो प्रोटेस्ट के बाद हमारे पास जो दूसरा वीक पॉइंट था इस बच्ची का, वो ये था कि वो अफगानिस्तान की थी। पहली बात तो कह ही नहीं सकते इसके ऊपर, तो ये है कि आईबा की तरफ से भी फेडरेशन ब्लॉक हो सकते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, आप गैर मुल्कों को कैसे खिला सकते हो। अच्छा, अगले दिन पर ये हुआ कि हमें इस मेरका एडवांस में रखे कि भाई आप लोग अपने प्लेयर को वेट में रखे, क्योंकि वेट को हैवी नहीं कर सकते फिर, तो इसके ऊपर बातचीत होगी, बाकी डॉक्यूमेंट्री सबमिट हो गई, ये है वो है, हो जाएगा। आप यकीन करेंगे सर, हमने 2 दिन तक माहम बेग को वेट पे रखा, मतलब उनको डाइट पे रखा, एक्सरसाइज करते रहे। उस बच्ची इस सुपर में थी कि मेरे फाइट होने हैं, होने होने होने। जब दूसरा दिन जब गुजरा, तीसरे दिन पे जब इनका क्वार्टर होना था आर्मी के अगेंस्ट, मतलब कि रिमशा लड़की थी उसके अगेंस्ट, मतलब कि इनके क्वार्टर होना था। अगले दिन जब वेट कैटेगरी के लिए, तो हमारी बच्ची भी गई, वो जो अफगानिस्तान की बच्ची थी उसने खुद अपने मुंह से इजहार कर ले, उसको कोच ने इजहार कर दिया, क्योंकि हमारे ऑफिसर ने उनका डाटा, बायोडाटा जब निकाला तो उसने आईडी कार्ड बनाया था, आईडी कार्ड के ऊपर किसी का आईडी कार्ड के ऊपर फेक पिक्चर लगाया था, जो बाकी ने पता चल रहा था। तो बड़ी खतरनाक बात है अगर ऐसा हो। बिल्कुल पता चल रहा था कि इसने आईडी कार्ड के ऊपर तस्वीर फिक्स किया हुआ है, वो भी नेशनलिटी पाकिस्तान के नहीं है। अच्छी, बड़ा सीरियस बात, बड़ा सीरियस। फिर ये हुआ कि वही बच्ची ने वहाँ पर खुद अपने मुँह से इजहार किया कि मैं अफगानिस्तान की हूँ, मैं खेल नहीं सकती, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं खेलने के लिए रिंग में जाती हूँ तो डिपार्टमेंट, जाहिर बात है एयरफोर्स, हमने तो अपना डिफेंस करना था, बच्चे का जो डिफेंस करना है, ठीक है। फिर हमने आगे तक डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने थे, मतलब बात को, केस को आगे तक लेकर जाना था, तो बच्ची का और उसके फैमिली का भी नुकसान हो सकता था इस हवाले से कि भाई गेम में कैसे आई है, या जिस डिपार्टमेंट की तरफ से खेल, मतलब बलूचिस्तान की तरफ से खेले, तो वो जवाब देते फिर उस चीज़ का। खैर, जब बच्ची के कोच ने और बच्ची ने उस टाइम ये कह दिया कि मैं नहीं खेल सकता, तो ऑटोमेटिकली माहम का फाइट आ गया रिमशा के साथ, ठीक है। पर उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किए, जब इनका फाइट होना था, बच्ची ने वेट भी नहीं दिए, जो अफगानिस्तान की बच्ची थी उसने वेट भी नहीं दिए, ठीक है, उसे बाकी उस टाइम कह दिया कि भाई मैं नहीं खेल सकती। जब फाइट होना था, रिमशा की जो फाइट आया, हम इसी शशुपन में थे, अभी माहम का नाम ही ना उसको बाइक कर, उसका वेट ड्रा में रात को 3 दफ़ा ड्रा चेंज हो चुका है। अच्छा, मिस्टेक, ये अब उनकी बकौल है कि मिस्टेक हुआ, जो भी हुआ है उसमें कई प्लेयर्स के साथ मिस्टेक हुए, कि इस केस के साथ नाम लिखे, इस केस के साथ नाम लिखे। एक वेट हमारे पास सर आया रात को तकरीबन 2 बजे के टाइम, एक वेट कैटेगरी आया, उसमें ग्रुप में बाकी मैसेजेस आए, ऑफिशियल ग्रुप एक बनाते हैं इवेंट्स के लिए, सुबह वो वेट चेंज हो गया, सॉरी 12:30 बजे का टाइम आया, फिर उसके बाद 2:30 बजे रात को आया, वो हमने देखा तो भाई उसमें फाइट चेंज हुए हैं। अच्छा, फाइट चेंज हो गए, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ मिस्टेक हुआ है। अच्छा, हम कह रहे थे कि हमने बच्चों को मैसेजेस दे दिए कि भाई आप केसेस के साथ फाइट है, सुबह 7:30 बजे थे दोबारा अपडेट हो गया कि भाई इसके इसके साथ फाइट चेंज हो गई, फाइट चेंज हो गई, मतलब कि वो जो मिस्टेक जो था चेंज हो गया। वहां पर रिमशा के साथ उसी लड़की, उसी अफगानिस्तान की लड़की का नाम लिखा हुआ था। अच्छा, वो पहले कह रही है कि भाई अभी तक हमारे प्लेयर जो है वो
वेट में है और हमें पता ही नहीं है, 3 दिन गुजर गए भाई, हमें पता नहीं है उनको। और फिर माहम की फाइट किसके साथ थी? तो फिर वही हुआ कि जब कैटेगरी आ गया आप आल रिपेयर, उसके बाद हमने माहम को खाना देना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, अब उसके जोहरे बात है, जब वेट में नाम आ गया तो इनका रूल ये होता है कि भाई अब उसी के साथ फाइट होना है। जब उस बच्ची का नाम ही ना उसे गया आर्मी के आगे से, काउंटिंग शुरू हो गई है, वो बच्ची नहीं आई। अच्छा, वो अफगानी, वो अफगानिस्तान रेंग में नहीं आई, आर्मी को उसने हाथ ऊपर कर दिया। जाहिर है वो, क्योंकि उन्होंने पहले से उन्होंने प्लानिंग के साथ, उन्होंने तो करना ही था, उनको ऊपर लेकर जाना था, गोल्ड के लिए लेकर जाना था, माहम को पीछे कर लिया वहाँ पर। अच्छा, तो इस बात पे काफ़ी वहाँ पर बहस भी काफ़ी चली है, काफ़ी मतलब कि हमने कोशिश की है कि इस तरह ये तो मतलब यही हम समझेंगे कि ये तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो उनके फिर नाकामी है कि यार वो अफगानिस्तान। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कमेटी थी पूरी नेशनल गेम्स की, ये तो उसके ऊपर सवाल है ना, पूरी कमेटी पे जो नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज कर रही है, स्पोर्ट्स बोर्ड पर ये सवाल उठता है, ओलंपिक एसोसिएशन पे ये सवालात उठते हैं कि ये इस किस्म के नेशनल गेम्स का क्या फायदा होगा फिर, तो ये तो प्लेयर्स के लिए भी बड़ा नुकसान है और ये तो बड़े खतरनाक। सर वहाँ पर हम इवन के सिर्फ हमारे प्लेयर्स नहीं, जितने भी प्लेयर्स जिनको ज़बरदस्ती हराया जाता था ना, तो प्रोटेस्ट तो सबमिट हो गए, पर बात वही पर आते जिनका पावर ज़्यादा होता है, मैं समझ गया हूँ, मैं रिव्यूअल में कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, उन्हीं को जीत दे ही देता है ये चीज़ों, तो मतलब मेडल्स उनको दे ही देते हैं। शुक्र करें बुशा, आपको तो किसी तरह मिल गया लड़के, बाद में किस तरीके से मिल भी जाए तो उसको फिर कोई फायदा नहीं है। अब जिस तरीके से आपको जो लिस्ट आई हुई है KRPF का, अब शुरू में जैसे इवेंट खत्म हुआ, अभी इवेंट का मतलब क्लोजिंग सेरेमनी भी सही तरीके से नहीं हुई है कि मैसेज अपडेट हो गया भाई इतना गोल्ड आ गया, इतना सिल्वर आ गया, इतना अच्छा पहले ही आ गया एक बात है ना, कुछ कह रही जी बिश्रा। सर मैं ये कह रही थी कि अगर इन लोगों ने इतनी बड़ी नेशनल, 3rd 4th नेशनल इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो इसमें अगर ये लोग इस तरह करते तो इस सब फिर प्लेयर जो एथलीट का तो डिसहार्ड हो जाता है, चाहे वो कोई भी खेल हो, ये तो ओलंपिक एसोसिएशन का मामला है, उस सूबे का मामला है जहाँ पर ये गेम हो रहे हैं, और ये तो इंतजामिया का मसला है, इस तरह तो गेम खराब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड खराब करेंगे ये लोग। सर कई सारे प्लेयर जो है ना इसमें अच्छे से मतलब नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर जैसे होते हैं कि वो अभी इसी गेम्स में आर्मी के अगेंस्ट फाइट थी, उसका शायद आपको पता चल चुका होगा, जो बलूचिस्तान का लड़का था सनाउल्ला, बहुत अच्छा फाइटर है, बॉक्सिंग का ठीक, नेशनल उसका ओलंपिक्स का भी प्लेयर है वो, मेरे ख्याल में साउथ उसमें भी गया था, एशियन में भी, मतलब गोल्ड है कि ब्राउन्ज है इस तरह, पर है आउट क्लास, अच्छा फाइटर है सर। उसके फाइट हुई आर्मी के साथ, ठीक है, फाइट होकर ज़बरदस्त सबको, दुनिया को पता चल गया भाई सनाउल्ला जीत रहे। वहाँ पर इन्होंने क्या किए, वहाँ पर जब वो शुरू हो गया ना, जिस टाइम मतलब कि फाइट रुक जाती है तो उसके बाद फिर काउंटिंग होती है कि भाई किसका मतलब कि उसका क्या कहने फाइनल रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट उसने जब आला गुला इधर उधर देखे कि भाई बलूचिस्तान के तो सारे लोग बैठे हुए, सारे एथलीट और सनाउल्ला के चाहने वाले, पूरा बलूचिस्तान सनाउल्ला के चाहने वाले, उसके मतलब वो चादरें उठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कि भाई सनाउल्ला तो जीत गया, उन्होंने सनाउल्ला का हाथ ऊपर कर दिया। अच्छा, हाथ ऊपर करके आप यकीन नहीं करेंगे, 10 मिनट नहीं गुजरा था, 10 मिनट आर्मी के लड़के को जीत दे दिया, दूसरे का हाथ खड़ा कर, दूसरे का हाथ, ये तो हाथ नहीं खड़ा किए, नीचे आ गए, अच्छा नीचे आके चुप करके, चुप करके उन्हें डिसीजन चेंज करके आर्मी के लड़के को सनाउल्ला को रिंग से निकाल दिया। मुझे ये बताएं, हम समझते थे कि डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी जो गेम्स होंगी उसमें ज़रा सुकून होगा, तो पूरी नेशनल गेम्स के ऊपर सब, मैं आपको बता रहा हूँ रस्साकशी का, रस्साकशी का बता रहा हूँ, रस्साकशी में लड़ाइयाँ हुई हैं, साइकिलिंग में हम देख रहे हैं, पता नहीं किस किस में क्या क्या हो रहा है, और ये पूरी नेशनल गेम्स का चलें, ये तो बहुत लंबी बातें हैं, दरअसल इस पर तो करते रहेंगे। बताएं अब मुझे कि क्या तैयारी है बुशरा, अगला इवेंट इंटरनेशनल ये वो ओलंपिक्स, कुछ तैयारियाँ हैं अभी? जहाँ तक जो मेरा अपना टारगेट है कि अभी तो मैं नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और इसी तरह अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखूँगी, और जो मेरा अपना टारगेट है वो मेरा ओलंपिक चैंपियन का है, और हम भी ये चाहते हैं बुशरा के ओलंपिक्स में, क्योंकि देखिए हम गोल्ड देख लेते हैं, बहुत कुछ होता है, मेहनत करते हैं एथलीट, ओलंपिक जाके कहीं ना कहीं वो मामला रह जाते हैं, क्योंकि दूसरे ममालिक ने बहुत इन्वेस्ट किया होता है, हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ी थोड़ी सी है, तो क्या देख रही हैं ओलंपिक्स के लिए, इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ फाइटिंग देखती हैं? सर फाइटिंग वगैरह मतलब वीडियोस वगैरह देखती हूँ, और जो ज़्यादातर जो है मैं उसके अपने कोच को फॉलो करती हूँ, जो मेरे समदस्य की जो ट्रेनिंग है इनको ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और डाइट प्लान को कितना फॉलो कर रही हूँ, जी डाइट प्लान भी साथ अपनी ले रही हूँ, और क्या नाम है ट्रेनिंग भी कर रही हूँ साथ साथ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह ओलंपिक लेवल पर मैं पार्टिसिपेट करूँगी। मतलब सर ओलंपिक्स के लिए फर्ज करें, हम देखते हैं कि तैयारियाँ हो रही हैं, नेशनल गेम्स वगैरह सारी तैयारियाँ हैं,
अच्छा फाइट तो अच्छी हो रही है, चाहे कोई भी एथलीट हो फाइट तो अच्छी होती है, वो तो जजमेंट हो जैसी भी वो एक अलग मैटर है, फाइट्स अच्छी हो रही हैं, प्लेयर्स अच्छे हैं। आप सर्किट में वुशू हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, बॉक्सिंग हो गया, एमएमए हो गया, इसमें आप देख रहे हैं कि एयरफोर्स तो है ही है जिस तरह आप लोगों के अच्छे प्लेयर्स हैं, और भी सर्किट में अच्छे प्लेयर्स आपको दिखाई दिए, तो आपको उम्मीद है ओलंपिक्स के लिए कि यार ओलंपिक्स में हमें अब कुछ करना पड़ेगा और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए बिल्कुल नो डाउट इस चीज़ में कि पाकिस्तान में जो प्लेयर्स है, जो एथलीट्स है, अब जिस तरह हमने बात की सनाउल्लाह के ऊपर, या फिर हमारे हसन जो है वो सुपर हैवी में भी खेलते हैं, एयरफोर्स का कोच भी है, हेड कोच भी है, वो साउथ एशिया 3-4 मरतबा गोल्ड रह चुका है, ओलंपिक्स गोल्ड रह चुका है, सिल्वर ब्राउन्ज रह चुका है, नेशनल गेम नेशनल अभी इस नेशनल गेम्स में उसने गोल्ड रहा, आर्मी के लड़के को उसने हराया। ऐसे एथलीट्स हमारे पास बैठे हुए सर के अगर उनको मौका दिया जाए, उनको प्रॉपर डाइट, उनके प्रॉपर मतलब उनकी तैयारियाँ कराई जाए ना सर, और सबसे मेन जो टॉपिक है ना इस बात पे मैं तमाम फेडरेशन से भी गुजारिश करूँगा कि अगर मेरिट पे फैसला किया जाए ना एक प्लेयर के लिए, आप यकीन करेंगे वही प्लेयर है जो मेडल ज़रूर निकालेगा। बस सबसे मतलब ये सारे बातों का निचोड़ है कि हम क्या करते जब मतलब छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जब इवेंट्स कराते तो हमारी कोशिश ये होती कि हम चॉइस रखें किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। सही, ये पिछला जो कामिल विल गेम हुई है उसमें भी यही काम हुआ है। ठीक, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। हालांकि पंजाब भर में गर्ल्स में इतना अच्छे एथलीट्स बैठे हुए, इतना अच्छे बॉक्सिंग प्लेयर्स बैठे हैं, जरा करवा फरवरी है ना, एक बात फेवरिज्म है, हमें पता है ये सब जगह है फेवरिज्म है, ये तो ओलंपिक से आप देख रहे हैं ना ओलंपिक एसोसिएशन का हाल, ये भी नेशनल गेम में ही आपको नजर आ गया सर, फेवरिज्म तो है हर जगह। मैं यही गुजारिश करूंगा कि देखिए फेडरेशन उन लोगों को दी जाए जो जो रियल है, सर हम भी कोशिश हमारी यही है मुदस्सिर, लेकिन ये होता हमें तो बड़ा मुश्किल से ही दिखाई दे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर बशीर, कोच है मार्शल आर्ट्स के, बुशरा के भी कोच हैं, बुशरा हमारी एमएमए फाइटर हैं, बॉक्सिंग में गोल्ड उठाकर आई हैं 34वें नेशनल गेम में, कोशिश किया बट टेंस चीज़ें थी जिस पर बात की कि यार जजमेंट जो सिस्टम है या रेफरी जो होते हैं, जज जो होते हैं, उनका किरदार कैसा है, ओलंपिक एसोसिएशन का किरदार क्या रहा 34वें नेशनल गेम में, सूबे के इंतज़ामिया का क्या किरदार रहा, आपके सामने ही है सारी बात हो गई, एथलीट्स खुद बता रहे हैं, कोच खुद बता रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा कि हम लोगों ने किसको फेवर देनी है किसको फेवर नहीं देनी, खेल को फेवर देनी है, खेल का मैार बेहतर करना है, तब जाके हम ओलंपिक्स में गोल्ड ला, बड़ी वजह है ये ओलंपिक्स में गोल्ड ना लाने की जो आप लोग आज इस प्रोग्राम के जरिए सुन गए हैं, हम अक्सर इस पर बात करते हैं लेकिन असल रीज़न यही है। बहुत शुक्रिया मदरसे बुशरा, थैंक यू सो मच, कल 4 बजे भी होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।